जिस जो कलर मैं डिजाइन टान रहा हूँ उसको मैंने सीलर में और एनसी थिनर है उसमें डाल के और लाल मिट्टी थोड़ा सा डाला हुआ है और फिर चक पाउडर भी डाला हुआ है, कॉफ़ी कलर भी डाला हुआ है और इसमें चारकोल और रेड ब्राउन डाला है। इसमें बहुत सारा इतना आइटम डाला हुआ है तो जाके ऐसा कलर बना हुआ है, ठीक है। तो इसे मैं हाथ से ही मैं डिजाइन कर रहा हूँ, आप लोग भी हाथ से करने की प्रैक्टिस करिए, पर हाथ कितना भी है कि हाथ से भी कर लेता है और कितना भी है कि ब्रश से भी कर देता है डिजाइन। तो मुझे हाथ से ही बहुत अच्छा लगता है, ब्रश से उतना खास नहीं होता है डिजाइन। पर नेक्स्ट वीडियो कभी बनाऊंगा ऐसे डिजाइन तो ब्रश से भी डिजाइन बनाऊंगा, ठीक है। तो इसे मैं फटाफट डिजाइन टू को कर डिजाइन टाल लेता हूँ। पर एक फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था उसमें दो टेबल था, ठीक, चार टेबल है इसमें, तो चार टेबल में दो डिजाइन अलग है और दो डिजाइन अलग है। तो कैसे कि मैं वीडियो तो शूट किया हूँ और मेहनत किया हूँ तो मुझे तो यूट्यूब पर डालना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं इस वीडियो को इसमें डाल रहा हूँ और इस वीडियो में इतना ये बताया हूँ कि ताकि आप बर्जर का मेलामेंट इसमें उपयोग किया हो और उसमें जो फाइबर डिजाइन करने के लिए जो बेस बनता है उसमें वो सारा चीज़ प्रोसेस उसमें सारा चीज़ किया हुआ है, बताया गया हुआ है। तो उस वीडियो को जाकर आप लोग देखें जो फाइबर का डिजाइन का बेस किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो मैं लिंक उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ हूँ, तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ये डिजाइन जो तो पहले से इस पर पहले से बोल रहे थे, जो जिनका काम कर रहा हूँ वो बोल रहे थे कि इस पर इसे डिजाइन कर दे रहा है, तो डिजाइन कर रहा हूँ। पर किस तरीके से कैसा लगा डिजाइन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कैसा लग रहा है डिजाइन। तो इस पर मेरे बर्जर का पूरा ग्लोसी मारा हूँ और सीलर मारते हुए इस वीडियो में नहीं दिखाया हूँ, तो सीलर मैंने इस पर हैंड हाथ से ही कर दिया हूँ, ठीक है। फिर क्या इसको शॉर्टकट में करना था, थोड़ा जल्दी इसका काम ये जो काम था जल्दी बाजी में भी देना था तो इसे मैंने शॉर्टकट में कर दिया हूँ, ठीक है। तो इसे हैंड से सीलर कर दिया हूँ और ये जो अभी मैं मार रहा हूँ ना इस पर एक फाइबर वाले फाइबर का जो काम कर दिया हूँ डिजाइन कर दिया हूँ तो इस पर मैंने कर दिया है। तो फ्रेंड्स क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ये डिजाइन जो तो पहले से इस पर पहले से बोल रहे थे, जो जिनका काम कर रहा हूँ वो बोल रहे थे कि इस पर इसे डिजाइन कर दे रहा है, तो डिजाइन कर रहा हूँ। पर किस तरीके से कैसा लगा डिजाइन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कैसा लग रहा है डिजाइन। तो इस पर मेरे बर्जर का पूरा ग्लोसी मारा हूँ और सीलर मारते हुए इस वीडियो में नहीं दिखाया हूँ, तो सीलर मैंने इस पर हैंड हाथ से ही कर दिया हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स क्या इसको शॉर्टकट में करना था, थोड़ा जल्दी इसका काम ये जो काम था जल्दी बाजी में भी देना था तो इसे मैंने शॉर्टकट में कर दिया हूँ, ठीक है। तो इसे हैंड से सीलर कर दिया हूँ और ये जो अभी मैं मार रहा हूँ ना इस पर एक फाइबर वाले फाइबर का जो काम कर दिया हूँ डिजाइन कर दिया हूँ तो इस पर मैंने कर दिया है। तो इस पर मैं पड़ोसी इसमें मैंने जो टिकिया गलाया हूँ तो उसका वही जो टिकिया है उसको एक हाथ दो हाथ पॉलिश कर दे रहा हूँ कलर डाल के, कि जो पीछे का है जो येलो हो जाएगा थोड़ा और इसका जो फाइबर का डिजाइन है वो खुल के दिखाई देगा, अच्छी तरीके से दिखाई देगा। और उसी से थोड़ा थोड़ा कहीं ज़्यादा ओवर हो गया है तो उसी को थोड़ा सा मैं मैनेज कर दे रहा हूँ, इधर उधर कर दे रहा हूँ, ठीक है, जो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो पता नहीं वीडियो को आप लोग बहुत कम देखते हैं और वीडियो को स्किप भी कर देते हैं, तो लाइक कमेंट तो क्या कीजिए। और लाइक कमेंट वीडियो से क्या होता है कि थोड़ा सा वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है और मज़ा लगता है। तो फ्रेंड्स चैनल को
डिफरेंस कंप्रेसर का जो हवा है वो 50-60 के आसपास में रखना है, ताकि माल मारते समय मैंने ग्लूसी मारते समय क्या होगा कि अच्छी तरीके से मैंने हवा मिलेगा, तो अच्छी तरीके से जो है इस पर बैठेगा माल और माल झूलेगा भी नहीं। हवा कम होने से क्या होगा कि थोड़ा सा दूर से बढ़ना होगा, बट हवा कम हो जाने के बाद सामने से भी आप लोग मार सकते हैं। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है इसलिए कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग वीडियो को उतना देख नहीं पाएंगे, इसलिए वीडियो को फास्ट कर दिया है। तो लास्ट में बोल रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।